हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी एसएससी गाइस। दिस इज़ आवर 15th क्लास। ठीक है, आज हमारी 15वीं क्लास है वोकैब की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला वर्ड है हमारे अनकैम्प्ड। अनकैम्प्ड 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 माने होता है गंदा या फिर डिसहेवल्ड। अनकैम्प्ड माने क्या होता है? गंदा या फिर डिसहेवल्ड। तो इसका लिंक वर्ड है उनके एमपी। आपको दिख रहा होगा उनके और यहाँ पे आपको एमपी। ठीक है ना, उनके एमपी कैसे हैं? उनके एमपी के बाल बड़े गंदे हैं, या फिर आप कह सकते हैं उनके एमपी कैसे हैं? उनके एमपी बहुत गंदे हैं। उस पार्टी के जो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उस एमपी के, वो कैसे हैं? वो बहुत ही गंदे हैं। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अगला है हैरेस। हैरेस हरास, आपको पता ही, हराश माने होता है परेशान करना या फिर प्रोसिक्यूट करना। ठीक है ना, ये आपको पता है, इसका आपको जो है इसको कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है फेड। फेड माने भी आपको सबको पता है, कलर फेड हो जाना। ठीक है ना, या फिर जो है आपका जो है आपके जो है जीन्स है, जीन्स फेड हो जाना या शर्ट फेड हो जाना, मतलब क्या होता है? उड़ जाना या फीका हो जाना या फिर फेंट हो जाना। तो ये भी आपको पता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला फिडेलिटी। फिडेलिटी होता है जो है वफादारी या फिर फेथफुलनेस। फिडेलिटी का रिलेट वर्ड है फिदा। मैं दूसरों की वाइफ पर फिदा नहीं होता क्योंकि मेरे अंदर फेथफुलनेस है। ठीक है ना, फिडेलिटी का आपका रिलेट वर्ड क्या है? फिदा। मैं दूसरे की वाइफ पर फिदा नहीं होता क्यों? क्योंकि जो है मैं फेथफुलनेस हूँ, मैं वफादार हूँ। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अगला है एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक माने होता है रहस्यमय या फिर कॉनकॉन्ड्रम। कनकॉन्ड्रम एनिग्मेटिक माने क्या होता है? रहस्यमय या फिर कॉनकॉन्ड्रम। एनिग्मेटिक से आप रिलेटेड वर्ड है आपका एनी जी माटी क्यों खाती हैं? यह रहस्यमय बात है। एनी जी माटी क्यों खाती हैं? यह रहस्यमय बात है। तो एनी जी माटी क्यों खाती हैं, ये एक रहस्यमय बात है। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। एनिग्मेटिक मतलब एनी जी माटी, और एनिग्मेटिक से आपको रिलेट वर्ड हमने बता दिया एनी जी माटी, और एनी जी माटी क्यों खाती हैं यह रहस्यमय बात है। ये हो गई आपकी लाइन। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कोजेंट। कोजेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कोजेंट माने होता है प्रभावकारी या फिर कन्विंसिंग। कोजेंट से आपका रिलेट वर्ड है एजेंट, है ना। कोजेंट से आपका रिलेट वर्ड है एजेंट। हर एजेंट कैसा होता है? हर एजेंट जो है प्रभावकारी होता है या कन्विंसिंग होता है। जब भी तो उसको एजेंट बनाते हैं कि वो लोगों को जो है कन्विंस कर सके, लोगों को जो है अपने प्रभाव में ला सके। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, कोजेंट हम पहले भी पिछली क्लासेज में पढ़ चुके हैं, शायद 3rd या 4th क्लास में ही हमने कोजेंट पढ़ा था। अगला देखते हैं। अगला है एलायरेसिटी। एलायरेसिटी माने होता है तत्परता या फिर रेडीनेस। ठीक है ना, तुरंत जो है प्रबंध कर देना, उसको क्या बोलते हैं? एलायरेसिटी या फिर तत्परता या फिर रेडीनेस, तुरंत के तुरंत काम हो जाना। ठीक है ना, तो लिंक है इसका ए लैक। 1 लाख का ऑफर मिलने पर उसने तत्परता उत्साह के साथ उसे स्वीकार किया। 1 लाख का जैसे ही उसे ऑफर मिला, एलायरेसिटी से आपका लिंक वर्ड है ए लैक। 1 लाख, 1 लाख का जैसे ही उसे ऑफर मिला उसने क्या करा? उसको तत्परता ही जो है तत्परता ही उसे जो है उत्साह के साथ उसे स्वीकार कर लिया। तत्परता मतलब तुरंत उसने जो है उसे स्वीकार कर लिया। देखते हैं अगला है एम्पल। एम्पल माने होता है प्रचुर मात्रा। एम्पल माने क्या होता है? प्रचुर मात्रा या फिर प्रोफ्यूज। एम्पल से रिलेटेड वर्ड है एप्पल। एप्पल कश्मीर में क्या है? प्रचुर मात्रा में। एप्पल कश्मीर में क्या है? प्रचुर मात्रा में। हिमाचल में और जो है आपके कश्मीर में एप्पल बहुत हैं। क्यों? क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है और मोस्टली एप्पल जो है इंडिया में वहीं पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। एम्पल माने प्रचुर मात्रा, एम्पल से रिलेटेड वर्ड है आपका एप्पल, और एप्पल जो है कश्मीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला है गैम्बिट। गैम्बिट माने होता है चाल या फिर प्लॉय या फिर कॉन्सिप्रेसी। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसको याद करने की कोशिश करिए। गैम्बिट माने गैम्बिट प्लस गेम प्लस बीट। ठीक है ना, या फिर आप इसको छोड़िए और इसको देखिए। ठीक है ना, गैम्बिट से आपका रिलेट वर्ड क्या निकल के आता है? गंभीर। गैम्बिट से आपका रिलेट वर्ड क्या निकल के आता है? जो है किस तरीके से टीम से बाहर हुआ? वो चाल की वजह से टीम से बाहर हुआ। वो जो है उसके खिलाफ प्लॉय किया गया, उसके खिलाफ चाल की गई। ठीक है ना, उसके खिलाफ षड्यंत्र किया गया, कॉन्सिप्रेशी की गई, जब जाके गंभीर को जो है टीम से बाहर निकाला गया। तो इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। ये है थोड़ा लंबा प्रोसेस है ये वाला जो है आपका ये वाला, इसको इसलिए हम नहीं करते। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है डेरिलिक्शन। डेरिलिक्शन माने होता है अपने कर्तव्य में चूक या फिर अपने काम में चूक। ठीक है ना, और नेगलिजेंस। ठीक है ना, डेरी इलेक्शन में आपका रिलेट वर्ड है देरी इलेक्शन। डेर
इलेक्शन, देरी इलेक्शन, देरी इलेक्शन कराने में हुई, देरी इलेक्शन कराने में हुई, तो इसमें आयोग की लापरवाही से चूक हो गई, ठीक है ना। इलेक्शन में जो देरी हुई उसमें क्या हो गया, उसमें जो है उसके जो है चुनाव आयोग के जो है कर्तव्य में चूक हो गई, इसलिए ही तो इलेक्शन में देरी हुई, ठीक है। आप इसको रिलेट कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है एक्सप्लेटिव। एक्सप्लेटिव माने होता है अपशब्द या फिर इन्वेक्टिव। एक्सप्लेटिव माने क्या होता है, अपशब्द या फिर इन्वेक्टिव। एक्सप्लेटिव से रिलेटेड वर्ड है आपका रिलेटिव। आप कुछ रिलेटिव्स के साथ एक्सप्लेटिव का यूज़ कर सकते हैं, आप कुछ रिलेटिव के साथ एक्सप्लेटिव का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जो है कुछ रिलेटिव आपके जो है अजीब होते हैं, तो कुछ रिलेटिव आपका बुरा चाहते हैं, तो उसके साथ आप क्या करिए, उसके साथ आप जो है अपशब्द का प्रयोग कर लीजिए, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ लिंक करने की है, आप ऐसा बिल्कुल ना करें, यह आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि इसके बाद आपके मम्मी पापा आप पर बरस सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। एक्सप्लेटिव आपको याद हो गया होगा, ठीक है। अगला देखते हैं इंटेंस्टेट। इंटेंस्टेट, इंटेस्टेट, 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 या फिर बोल सकते हैं इंटेस्टेट, इंटेस्टेट, ठीक है। इंटेस्टेट माने होता है निर्वसियत, जो कि विदाउट अ विल, मतलब कोई भी विल नहीं होता। इंटेस्टेट माने जो निर्वसियत होता, मतलब किसी की कोई वसीयत नहीं होती, या फिर विदाउट अ विल। तो इंटेस्टेट माने इतने स्टेट, इतने स्टेट, लिंक वर्ड है आपका इतने स्टेट। लीला इतने स्टेट बिना वसीयत के छोड़ गई। लीला के पास बहुत सारा स्टेट थे, बहुत सारे स्टेट थे जो कि बिना वसीयत के थे, तो वो जो है उसने छोड़ दिया। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका देखिए, इतने स्टेट, एंटी स्टेट से आपका याद आता है इतने स्टेट, इतने स्टेट वो घूमा, ठीक है ना। इतने स्टेट में उसने जो है अपनी प्रॉपर्टी बनाई, पर जितनी भी प्रॉपर्टी उसने बनाई तो उसने क्या करा, उसने किसी के भी कागज जो है सही से नहीं रखे। तो आज उसके पास क्या है, आज उसके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है उसकी कोई भी जो है उसके पास कोई भी पेपर नहीं है, तो उसके पास कोई भी विल नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। चलिए अब तो देखते हैं। अगला है जेनुफ्लेक्ट। जेनुफ्लेक्ट माने होता है झुकना या फिर घुटने टेकना, ठीक है ना। मतलब किसी के सामने झुकना या फिर घुटने टेक देना, तो उसको क्या बोलते हैं, जेनुफ्लेक्ट। जैसे कि हम मंदिर में जाके करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेंड द नीज एज इन वर्कशिप, जैसा हम जो है वर्कशिप के दौरान अपने आप को झुकाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, जेनुफ्लेक्ट। तो जेनुफ्लेक्ट से आपका लिंक वर्ड आता है जानू प्लस कॉन्फ्लिक्ट। जानू से कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद, ठीक है, आखिर में मुझे ही उसके आगे झुकना पड़ा। जानू से जब जो है उसकी कॉन्फ्लिक्ट हो गई, जब उससे झगड़े हो गए, तो उसके बाद क्या हुआ, आखिर में उसी को जो है जानू के सामने झुकना पड़ा। तो इस तरीके से आप जेनुफ्लेक्ट को याद कर सकते हैं। एविंस, 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 एविंस माने व्यक्त करना, मैनिफेस्ट करना। एविंस से आपका रिलेट वर्ड क्या आता है, कन्विंस। मैंने पापा को कन्विंस करने के लिए अपनी बातों को एविंस किया। अगर उसे जो है करना है कन्विंस, अगर उसे करना है कन्विंस, तो क्या करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा एविंस, एविंस, एविंस। भाई अगर उसको अपने पापा को कन्विंस करना है, तो कम से कम पापा को बताना तो पड़ेगा, व्यक्त तो करना पड़ेगा। अगर करना है मम्मी पापा को कन्विंस, तो करना पड़ेगा एविंस, 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 ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज माने होता है भूत भगाना। एक्सरसाइज माने क्या होता है, भूत भगाना, ठीक है ना। तो इससे आप एक्सरसाइज से आपका रिलेट वर्ड क्या निकल के आ रहा है, एक्सरसाइज। क्या वर्ड निकल के आ रहा है, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से भूत प्रेत भाग जाते हैं। भाई अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, तो आपका जो अंदर का मोटापे का भूत है, कोलेस्ट्रॉल का भूत है, ठीक है ना, और चर्बी का भूत है, थकान का भूत है, वो क्या हो जाएगा, वो जो है एक्सपेल हो जाएगा, वो जो है भूत भाग जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अगला है एक्सक्रेट। एक्सक्रेट माने होता है घृणा करना या फिर डिनाउंस करना, ठीक है ना। एक्सक्रेट, एक सीक्रेट। एक्सक्रेट से रिलेटेड वर्ड क्या है आपका, एक सीक्रेट। जब से तुमने मेरा एक सीक्रेट सबको बताया, तब से तुमसे नफरत करने लगा हूँ। जब से उसने भाई उसका सीक्रेट, एक जो उसका सीक्रेट था, उस सब में बता दिया, तो उसको क्या करा, उसने उसको जो है जब से उसे नफरत होने लगी। एक सीक्रेट अगर कोई किसी का बता दे, भाई मैंने तुम्हें कोई सीक्रेट बताया, एक सीक्रेट बताया, तो किसी को नहीं बताना। अगर तुम वो बता दोगे, तो मुझे तुमसे क्या होगी, मुझे तुमसे नफरत हो जाएगी, घृणा हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अगला है सेग्रीगेट। सेग्रीगेट माने होता है बट जाना, अलग हो जाना, या फिर सेपरेट हो जाना। सेग्रीगेट, सेपरेट, सेग्रीगेट, सेपरेट। तो ये सेग्रीगेट से रिलेटेड वर्ड आपको सेपरेट, ठीक है ना। तो इससे अगर आप इस तरीके से करना चाहें, तो सेग्रीगेट से रिलेटेड वर्ड आप ये दिए, सेग्रीगेट, सेग्रीगेट। गोद से गिरा गेट पर बच्चा हमेशा के लिए माँ से अलग हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको छोड़िए। सेग्रीगेट का आपको देखिए
सेग्रीगेट से आपको वर्ड क्या याद आ रहा है, एग्रीग्रेट। एग्रीग्रेट माने क्या होता है, जुड़ना। सेग्रीग्रेट से रिलेटेड वर्ड एग्रीग्रेट। एग्रीग्रेट का मतलब क्या होता है, जुड़ना, और एग्रीग्रेट का मतलब जुड़ना है, तो उसका अलग वर्ड क्या हो जाएगा, सेपरेट। जुड़ना और सेपरेट, अलग होना, तो सेग्रीग्रेट मतलब एग्रीग्रेट, एग्रीग्रेट का उल्टा सेपरेट, ठीक है ना भाई। एग्रीग्रेट माने होता है जुड़ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्रीग्रेट का अपोजिट वर्ड सेग्रीग्रेट। सेग्रीग्रेट माने टूट जाना या अलग हो जाना, तो सेग्रीग्रेट का मतलब क्या होगा, सेपरेट। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, गैरुलेस। गैरुलेस माने होता है बातूनी, जो बहुत बात करता है, ठीक है ना। लॉकोफिसिस होता है, लॉकुआ सी एस होता है, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं हम, गैरुलेस बोलते हैं। गैरुलेस मतलब बातूनी या लॉकुसियस, ठीक है ना। गैरुलियस, गैरुलियस मतलब गैर। गैरुलियस से लिंक वर्ड क्या आ रहा है आपका, निकल के गैर, ठीक है। बातूनी लोग गैर से बात कर लेते हैं, जो बातूनी लोग होते हैं, जो बहुत ही बातूनी होते हैं, जो बार बार बोलते रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो गैर लोगों से भी बात कर लेते हैं। तो गैरुलस, गैरुलस से आपका लिंक वर्ड आया गैर। तो जो गैर लोगों से भी बात कर ले, वो क्या होता है, वो होता है गैरुलस। गैरुलस, गैरुलस मतलब बातूनी। अगला देखते हैं, अगला है सोजोर्न। सोजोर्न माने होता है टेम्परेरी स्टे। सोजोर्न माने क्या होता है, टेम्परेरी स्टे, मतलब कुछ टाइम के लिए रहना, क्या कहलाया जाता है, सोजोर्न। सोजोर्न, सोजोर्न से आपका रिलेटेड वर्ड है शॉर्ट जर्नी। शॉर्ट जर्नी, सोजोर्न से शॉर्ट जर्नी। हमें सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ की जर्नी बहुत ही शॉर्ट है। इस तरीके से आप इसको रहने दीजिए, सोजोर्न मतलब शॉर्ट जर्नी। अगर आपको शॉर्ट जर्नी मारनी है तो आपको क्या है, आपको परमानेंट स्टे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेम्परेरी स्टे करना है। आपको थोड़ी देर 15-20 मिनट या आधे घंटे का आपको एक स्टे करना है, और उसके बाद आप आगे बढ़ जाइए, अगर आपको शॉर्ट जर्नी करनी है। और अगर आपको लॉन्ग जर्नी करनी है, सपोज़ करिए आप लद्दाख जा रहे हैं, तो आपको बीच में रात में वहाँ पर रुकना पड़ेगा, आपको जो है टेम्परेरी की जगह परमानेंट स्टे लेना पड़ेगा, एक दिन के लिए या फिर एक नाइट के लिए। और अगर आप ऋषिकेश जा रहे हैं दिल्ली से, तो कितना, थोड़ा सा दूर है, तो आपको बीच में जो है, आप सपोज़ करिए मेरठ में 15-20 मिनट के लिए रुकेंगे, और आप सीधा ऋषिकेश में रुकेंगे। तो सोजोर्न मतलब शॉर्ट जर्नी। शॉर्ट जर्नी में आपको क्या चाहिए होता है, आपको जो है टेम्परेरी स्टे चाहिए होता है, ना कि परमानेंट स्टे। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगला है डलसेट। डलसेट माने होता है मधुर या फिर मेलिफियस। मेलिफियस, मेलिफियस, मेलिफियस। डलसेट माने मधुर। डलसेट से आपका रिलेटिव वर्ड है डलसेट। डलसेट, तुम्हारा डल सेट है फिर भी आवाज़ मधुर मेलिफियस है। तुम्हारा जो सेट है वो डल है, पर फिर भी तुम्हारी जो आवाज़ है वो कैसी है, वो मधुर है, मेलिफियस है। तो इस तरीके से आप इसको भी रिलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो आज हमारी पूरी 15 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको 15 की 15 क्लास समझ में आई होंगी। एंड प्लीज़, अगर आपको समझ में आ रही है तो लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताइए क्या आ रहा है आपको पसंद, और किस चीज़ में आपको हो रही है परेशानी। थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।